वहां पर जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि ये तीन मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन मानते हैं, आपको उनकी चिंता इतनी क्यों है कि उसकी वजह से कहा जा रहा है आप देश में भय के फरिश्ते इस वक्त बन गए? देश में तो मैं देश जो मुझे बनाया गया है, शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का भी। रहा सवाल, आपने उनसे सवाल किया, ये चले गए आधार, जन धन, क्या क्या। सवाल ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, आप कानून बना सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। दूसरी बात यह है कि इक्वालिटी और मजहब का जहां पर तसादुम होगा वहां पर इक्वालिटी प्रिवेल करेगा। और तीसरी बात यह है कि मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो जामिया मिलिया में कल हुआ, सर वो अच्छा हुआ? आप तो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उसका तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है। क्या पुलिस ने अंदर घुसकर लाइब्रेरी में टियर गैस फेंका, टॉयलेट में बच्चियों को मारा, बच्चियों के हॉस्टल में मारा? यकीनन मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं, मगर आप एक माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और आपकी तरफ से एक बयान भी नहीं आता सर। मुझे मुकम्मल करने दीजिए सर। चौथी बात मैं आप इनसे पूछ लीजिए, जो आसाम में 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, क्या इनको फायदा नहीं पहुंचेगा इस सीएबी से? और जो 5,00,000 मुसलमान जिनको आसाम के एनआरसी में छोड़ा गया, सेक्शन 6 इस एक्ट में कहता है कि उनके खिलाफ जो केसेस चलेंगे वो अबेट हो जाएंगे। और केस किस पर चलेगा? नॉन मुस्लिम्स पर, मुस्लिम्स पर चलेगा केस? जो हिंदू बंगाली है उन पर तो आप सिटीजनशिप दे देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का। मजहब की बुनियाद पर आप कानून बनाकर मोहम्मद अली जिना की रूह को खुशी पहुंचा रहे हैं। मुझे आप यकीनन जो हिंदू, सिख, ईसाई जो आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, भारत यूनाइटेड नेशन की नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल को मानता है। रेफ्यूजी और सिटीजनशिप में जमीन आसमान का फर्क है, और आप मजहब की बुनियाद पर कर रहे हैं, ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का, 25 का और 14 का। कौन कह रहा है आपको? उनको दीजिए ना लॉन्ग टर्म वीजा दीजिए। अच्छा एक बात उनसे और एक पूछ लीजिए, एक आखिरी बात, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में क्या कहा था आईबी ने? और मेरे सवाल पर सरकार कहती है कि हमारे मुल्क में 1,26,000 फॉरेनर्स हैं, आपकी सरकार ने 6 साल में कितनों को डिपोर्ट किया? 6 को, सिर्फ 6 को डिपोर्ट किया आपने। मजहब की बुनियाद पर तो आप कानून बना रहे हैं, यानी इसको कहते हैं अफवाहों से अमन को हाइजैक करने की कोशिश। अफवाह तो ये करने की कोशिश नकवी साहब, अफवाह तो ये नहीं है कि बच्चियों के हॉस्टल में मारा गया, अफवाह तो नहीं है। हम बिल्कुल टॉयलेट में बच्चियों को मारा गया, बच्चे की आंख फोड़ी गई, लाइब्रेरी में टियर गैस, ये तो अफवाह नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं और मजबूती से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पानी पी पी करके मोदी जी को गाली दे सकते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान में कोई क्या किसी अल्पसंख्यक की मुझे क्या इतनी करना हिम्मत है? क्या करना है इतनी हिम्मत है क्या कि वहां के राष्ट्रपति को, वहां के निजाम को बोल सके? ये है क्या करना है अल्पसंख्यकों, आपके स्पोक्सपर्सन को पाकिस्तान हमारे देश में कितना हमको क्या करना रखा गया सर? बच्चों को मारा गया, सही है गलत है बताइए ना सीखने की जरूरत सर? जो बच्चों को मारा गया, आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, सही है गलत है वो बताइए। मैं कहता हूँ नजमा अख्तर के बारे में आपने कहा कि वो डिसग्रेस है, बिल्कुल है, वाइस चांसलर है। वाइस सवाल मुकम्मल होने दीजिए मैडम, आप भी जामिया के पढ़ी हुई है, मास कम्युनिकेशन के, आपने वाइस चांसलर को बगैर पूछे पुलिस घुस सकती है? वो आज FIR रजिस्टर करा रही है, लेकिन आप भी बेवजह सवाल खड़े करके। वाइस चांसलर कुछ नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि वाइस चांसलर को इंद्रिश कुमार के आशीर्वाद से बनाया गया है। वाइस चांसलर की को पूरा मालूम था, उसके बाद पुलिस इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करके बिल्कुल आप क्या उसको हकीकत है ये? क्या ये सबसे बड़ा डिस्ग्रेस हकीकत है? बच्चियों, अरे बच्चियों को मारा गया लीला लड़ाकर, वो FIR करा रही है, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है? FIR होगा और जब लॉयर का पुलिस का झगड़ा होगा, पुलिस धरना देगी कि हम सोशल मीडिया पर आप क्रांति करें, संसद में बोलें, और जब लड़ाई की वक्त आए तो बच्चों को आगे कर दिया जाए? कौन करे बच्चों को आगे? कौन ना? कोई भी नहीं करे बच्चों को आगे। जितनी क्रांतियां हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, और जब बच्चों की बारी आती मैडम, है तो आप उनको सड़क पर अकेला शामिल छोड़ मत करिए। मैं रोड पे भी करता हूँ, टीवी पे भी करता हूँ, पार्लियामेंट हर जगह करता हूँ मैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चों को मारा जा रहा है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया में हमारे बच्चों को, जो ये कल जो मुल्क का मुस्तकबिल संभालेंगे,
उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, एक बच्चे की आंख फोड़ दी गई, टॉयलेट में घुस के मारते हैं आप लोग, ये इनकी पुलिस है। और जब लॉयर से झगड़ा होता है तो पुलिस चूड़ियां पहन लेती है और पुलिस धरना देती है बेबसी के आलम में। आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर ने इजाजत दी कि पुलिस घुसे और ड्रामा कर रही है। वाइस चांसलर को हर बात मालूम है, उनको कोई मॉरल राइट नहीं है उस पद पर रहने का, उनको छोड़ना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी मोरालिटी बाकी है उनको छोड़ के जाना चाहिए जामिया मिल्लिया को। देखिए मैं एक वो भी आरएसएस की कठपुतली है। इंद्रीश कुमार आशीर्वाद दिया उनको, चार्ज लेकर जाकर इंद्रीश कुमार के पैर पड़ती है, आशीर्वाद लेती है, तस्वीर है अखबार में देख लीजिए, क्या बताते हैं वो, छोड़ दीजिए चलिए वो गलत है, मगर एज ए वाइस चांसलर उनको तो सामने ठहरना चाहिए था ना। रीडिंग लाइब्रेरी में टियर गैस, बच्चों के हॉस्टल में घुस के मारते हैं और माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, अल्फाज से खेल रहे हैं यहां पर ठहर कर। बार बार एक बात कही जाती है, जैसे हिंदुस्तान की आजादी में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस कैंपस में बगैर वाइस चांसलर की परमिशन के पहुंच गई। कितनी बार पुलिस जो है वो वाइस चांसलर की परमिशन के बगैर कैंपस में जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, हैदराबाद हो। सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्या मतलब पुलिस को जाना चाहिए। आपने आपने इतना सर आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कहा, नहीं मैं मजम्मत कर रहा हूं, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं। पुलिस ने उन्हें पिटाई भी की है और जेल भी भेजा है। आप अगर नहीं गए तो आप खुशकिस्मत हैं। बच्चों को लाठी पढ़नी चाहिए, नहीं, नहीं, उनके बुरखे खींचे जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं, उनको मारा जाना चाहिए, हॉस्टल में घुसना चाहिए। नहीं, अखबी साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके कपड़ों से मालूम होता है, अब आप बताइए आपके कपड़े अच्छे हैं मेरे कपड़े खराब हैं क्या? मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, 540,000 जो बंगाली हिंदू आसाम में है डिपोर्ट करेंगे, चलिए करिए, मुसलमान भी 5 लाख कर दीजिए, बंगाली हिंदू को और बंगाली मुसलमान को रिपोर्ट कर दीजिए। आपकी परेशानी इस बात नहीं, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं मेरी परेशानी क्या है। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि CAA के कानून के बाद जो 540,000 बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये एक्ट कहता है सेक्शन 6, उनके ऊपर केस खत्म हो जाएगा फॉरन ट्रिब्यूनल पे। किस पे केस चलेगा? मुसलमान पे चलेगा। इस CAA जो हिंदुस्तान के है ही नहीं, कि कौन तो हिंदू है, बंगाली हिंदू हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के नहीं है उन पर चलेगा। मैडम घुसपैठी और शरणार्थी में फर्क करना होगा। आसाम के NRC में 540,000 बंगाली हिंदू हैं और 5 लाख करीब बंगाली मुसलमान हैं। हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि सिर्फ उन 540,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी CAB से और बंगाली मुसलमान को नहीं मिलेगी, ये वायलेशन नहीं आर्टिकल 14 का। केस किस पर चलेगा? मुसलमान पर चलेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में। दूसरी बात, आपको इस एक्ट को NRC से देखना जरूरी है। अगर अंजना ओम कश्यप का नाम और मुख्तार अब्बास नकवी का नाम NRC में नहीं आया तो अंजना ओम कश्यप को दरवाजा मिलता है CAB का और मुख्तार अब्बास नकवी को दरवाजा मिलता है डिटेंशन कैंप का, डिपोर्टेशन का। यही तो फर्क है। ये CAB बनाकर NRC जब होगी और NRC में अगर दो लोगों का नाम नहीं, मिसाल दे रहा हूं, आपका तो नाम आ जाएगा इंशाल्लाह, मगर अगर नाम नहीं आया तो फिर नकवी साहब तो परेशान हो जाएंगे। नकवी साहब को दिखाना पड़ेगा कि उनके दादा जान का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। यही तो कर रही है सरकार। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन इसको जमीन बनाकर आप भारत में सभी मुसलमानों को क्यों डरा रहे हैं? क्या डरा रहे? आप डरा रहे हैं कि आपकी नागरिकता पर ये सरकार आपके खिलाफ है। मैडम आधार में 8% फॉल्ट था। अगर NRC में 8% लोगों के नाम नहीं आएंगे कहां रखेंगे आप? इस एक्ट को NRC से देखना बहुत जरूरी है। आपको अमित शाह ने कहा ना कि हम पहले CAB लाएंगे, उसको लॉ बनाएंगे, फिर NRC लाएंगे। मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, क्या आसाम के NRC के 540,000 बंगाली हिंदूज को आप सिटीजनशिप देंगे? नहीं देंगे। अगर देंगे तो क्या CAB से नहीं देंगे? ये बार बार मैं इनसे पूछ रहा हूं, आसाम में NRC हो चुकी है कंट्रीमैन, आसाम के NRC में जो 540,000 बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया, आप डर रहे क्यों हैं? बोलिए ना। अच्छा आप बताइए, और 5 लाख मुसलमान उनका, मुख्तार साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं, आपने जो एक्ट बनाया है CAB, उसके जरिए से आपका मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि उन 540,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिल जाएगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगी, उनका केस फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बताइए आप बैरिस्टर हैं?
नहीं सर मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने, आप सत्ता में आप बता दीजिए सवाल का जवाब, मैं मोटा मोटा सवाल कर रहा हूं। माफ करना सर, आप बिल्कुल अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि जब बिल्ली दूध पीती है तो समझते दुनिया नहीं देख रही है। मैं आपको पूछ रहा सर, एक्ट सेक्शन 6 क्या कहता है इस एक्ट का, कि जिस पर केस चल रहा है अबेट हो जाएगा, और जब अबेट होगा तो पूरे बंगाली हिंदू जो आसाम में केस खत्म हो जाएगा, उनकी सिटीजनशिप देंगे आप पूरे कंट्री में बाद में जब एनआरसी होगा उसमें। मैं तो मिसाल दे रहा हूं ना, अगर आपका नाम नहीं आया और किसी और का नाम नहीं आया तो आप तो फंस जाएंगे, आप तो सीए भी नहीं दिखा पाएंगे ना। नहीं, हमें सब हमारे अपने बाप दादा परदादा के सबके, आपको आपको भी है मुझे भी नहीं, है, इसलिए जो है नहीं, नहीं, वो डरने क्यों मैडम, यहां पर देखिए मैडम, मैडम ये जो है ना, ये अपरकास्ट मुसलमानों के पास शिजरा होता है जिनका इनके ताल्लुक है, और जो अपरकास्ट मुसलमान नहीं हो तो उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मुझे आप डिपोर्टेशन कर देंगे, डिटेंशन में डाल देंगे। देखिए मुझे क्या बताइए आप, यही तो हम कह रहे हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी के साथ सीएबी लाया, अब पूरे देश में एनआरसी करेंगे। एनआरसी में मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास मुसलमान के पास नहीं होगा और नॉन मुस्लिम के पास नहीं, नॉन मुस्लिम कहा जाएगा बेटा सीएबी ले ले तू, और हम क्या करेंगे हमारे डालेंगे डिटेंशन सेंटर में, यही तो करने वाले हैं, यही तो खौफ है और ये सही साबित होगा इसका। 10 मिनट से मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब नहीं दे पाता। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। क्या जवाब? बंगाली बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे आप? सर आप पाकिस्तान के माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं है, आप भारत के माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं, इसरार करता रहूंगा कि आसाम में एनआरसी पूरा हो चुका है, इसलिए फाइनल एनआरसी की लिस्ट वहां पर आई है और उसके मुताबिक 5,40,000 बंगाली हिंदू को आप सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे, ये बता दीजिए। और या अगर देंगे तो फिर मुसलमान बंगाली मुसलमान क्यों नहीं देंगे? जो जिन्यूइन सिटीजन होगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। आप हिंदू मुसलमान खोल के इस चक्रव्यूह में मत देश को बताइए, बनाते हैं मजहब के नाम पर कि इन तीन मुल्कों से हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, जिनके खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उनकी तरफ भारत हाथ बढ़ा रहा है। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप एयर इंडिया की जो डाइंग इंडस्ट्री है उससे 10-15 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पतार के पूरे हिंदुओं को ला लीजिए, पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं को ला लीजिए। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं, करिए ना, जिस तरह इसराइल ने फलाशा जूस के साथ किया था तो करिए ना। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप मजहब के नाम पर इस तरह का कानून बनाकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को उनकी सोच, उनकी हिकमत, उनकी नॉलेज बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद से बढ़कर है, सरदार पटेल से बढ़कर है? जो वो काम उन्होंने नहीं किया वो आप काम करने जा रहे हैं आप। मुझे हरगिज इस बात की तकलीफ नहीं है जो यहां पर है। अच्छा एक इनसे पूछिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को आईबी ने क्या कहा था, कितने लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया? 24,000 सिर्फ। और पार्लियामेंट नंबर बताइए, चलिए कितने पाकिस्तान के हिंदू हैं, कितने बोध हैं? अरे भाई आप कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं? आप तो मजहब के नाम पर इस मुल्क को चला रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि एक माइनॉरिटी मिनिस्टर है और वो यहां के माइनॉरिटीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस कानून से माइनॉरिटीज से क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन होगा, यहां के माइनॉरिटीज से यहां फिर वही बात घूम कर आ जाती है। बिल्कुल होगा, आप डरा रहे हैं, बिल्कुल होगा। वैसी साहब को क्या परेशानी है इस कानून से? क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि रंजन ओम कश्यप का नाम एनआरसी में नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, आप तो बच जाएंगी। अब फिर आप वही, अरे मैं ना आपका आ रहा है ना मेरा आ रहा है, आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं, आप समझ नहीं रहे, आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क की हूं। सीएबी और एनआरसी को आपको एक साथ देखना जरूरी है मैडम। गवर्नमेंट कह चुकी है, गवर्नमेंट कह चुकी है, क्यों नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट? पहले एनआरसी करना था मुल्क में, बाद में सीएबी करना था। आपका नाम तो है ना एनआरसी में, क्या कैसे मालूम? मैडम देखिए, भारत के 120 करोड़ लोगों को यह सरकार लाइन में खड़ा करने वाली है और सबको फॉरेनर्स बनाएगी और कई लॉ डॉक्यूमेंट्स बताओ फिर डर लॉ डॉक बिल्कुल होगा। ये देखो अगर जिस दिन होगा आप आज तक बुलाएंगे मुझे, आप जिस दिन होगा आज तक बुलाएंगे मुझे। आप सर आपका आधार कार्ड है या नहीं? अंजना जी किसका आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है? ठीक है आपके पास अन्य दस्तावेज है ना? मैं तो कौन सा दस्तावेज होगा? अगर मेरे दादा जान का सर्टिफिकेट पूछेंगे कहां से लाऊंगा मैं, कहां से लाऊंगा बताइए आप? मैं एक, एक, ये आप एक, इस पर आप क्लैरिटी दीजिए क्योंकि फिर यहीं से डर और अफवाह फैलेगा। देखिए सिटीजनशिप वैसे जी आप जितना बोलते हैं उतना इनको फायदा होता है। सिटीजनशिप के लिए जितना आप बोलते हैं
उतना इनको फायदा मगर आप तो कांग्रेस की तरह बोल रही हैं अभी नहीं आप तो भी कांग्रेस की जबान बोल रहे बोलते हैं बीजेपी को फायदा इसका इसका मतलब ये है कि आप राहुल गांधी को काबिल मानती हैं और मुझे उनसे ज्यादा काबिल मानती हैं नहीं आपने तो सबका काम ही बंद कर दिया है जिस तरह से आप विपक्ष की भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं देश में आपका प्रतिद्वंदी भी आपका विरोधी भी आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आप जिस तरह से तर्क और दलीलों के साथ संसद में मैं एक ही तो सवाल कर रहा हूं जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं वो कह रहे हैं एनआरसी अभी फाइनल नहीं है क्या ये है उनका जवाब अरे ये ऐसे मंत्री हैं कि आसाम में एनआरसी को नहीं मालूम ये जो 25 मार्च 1971 में इलेक्टोरल रोल में उसका होना चाहिए नाम आपने 31 दिसंबर 2014 क्यों रखा आपने आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम 19 आसाम अकॉर्ड को मानते हैं फिर आप 2014 क्यों रख रहे हैं देखिए अभी इतनी देर के बाद ये अपनी गलती को माने ये आसाम के एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बावजूद भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब 5,40,000 बंगाली हिंदू के नाम नहीं आए आपने आ जाएंगे खत्म नहीं हुआ अभी खत्म नहीं हुआ मुझे एक बार बोलने दीजिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आपने बनाया है आपने कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है उसकी वजह से इसमें फायदा पहुंचेगा अरे क्या कर रहे हैं आप अरे देश को तो अच्छा, आप बांट रहे हैं आप ये बताइए आप तो कानून नहीं पढ़ते आप ये बताइए पढ़ नहीं पढ़ते आप इतने काबिल आदमी हैं मैं काबिल हूं इसलिए बता रहा हूं आपको गलती बता रहा हूं आपकी मुख्तार साहब प्लीज समझिए आप इतने इग्नोरेंट मत बनिए आप डरते होंगे मैं आपको बता रहा हूँ डरने की जरूरत है ना डराने की जरूरत है आप डराना कम कर दीजिए देश के लोगों को सर मैं आप डरते होंगे मोदी से मैं बता रहा हूँ आपको सर तो आप भी डरते हैं नहीं सर नहीं डरते खुदा से डरते हैं सर सिर्फ अल्लाह से डरते हैं सर मोदी खुदा नहीं है सर कोई डरने की चीज नहीं इंसान है आज है कल चले जाएंगे सर सुनिए एक बात बताइए ये आप जो पढ़ रहे हैं आसाम का है आपने एक्ट पास किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप आसाम में वो 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे और 5,00,000 आसाम के बंगाली मुसलमान को नहीं देंगे ये डिस्क्रिमिनेशन है और जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा तो जितने मुसलमान का नाम नहीं आएगा मुझे तो सीएबी से फायदा नहीं होगा यही तो आप कर रहे हैं ये जुल्म कर रहे हैं नाइंसाफी कर रहे हैं आपकी सरकार आप ये बताइए हिंदुस्तान का मुसलमान किसी पेड़ पर जो चुड़िया बैठी होती हैं वो है क्या कि कोई हिला देगा और उड़ करके वो भाग जाएगा किसी समुंदर में या किसी जगह पे हिंदुस्तान का इतनी बड़ी तादाद में जो मुसलमान है इस मुल्क के तरक्की में इस मुल्क के निर्माण में इस मुल्क के प्रोग्रेस में इस मुल्क की आज़ादी में उतना ही योगदान है जितना किसी और का है इसलिए एक बात समझ लीजिए मोदी जी ने जब बात कही कि सबका साथ सबका विकास सवाल करने दीजिए इनसे एक सवाल करने दीजिए फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे पाकिस्तानी थे तैमूरा महमूद पाकिस्तानी थे फखरुद्दीन अली अहमद के फैमिली मेंबर्स का नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आया आसाम की चीफ मिनिस्टर तैमूरा की फैमिली का नाम नहीं आया जो कारगिल की चोटियों पर जाकर मुल्क के लिए लड़ा उसका नाम नहीं आया क्योंकि मुसलमान थे वो अब मंत्री आप आपकी सरकार में तो जिनका नाम नहीं आया वो क्या प्रॉब्लम है क्यों उनको डरा रहे हैं आप क्यों बच्चों में ये भय पैदा कर रहे हैं मैं आपसे कि एक करोड़ हिंदुस्तानियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा पूरे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को लाइन में खड़े होकर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा अपने आप को सिटीजनशिप दिखाना पड़ेगा यही एनआरसी है जो आसाम में हुआ था और आसाम में एक रूल बताता हूं आपको ओरिजिनल इनहेबिटेंट और अमित शाह ने अपनी स्पीच में कहा था आप दोबारा प्ले करिए कि जो मूल वासी उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है 1 करोड़ ओरिजिनल इनहेबिटेंट को आसाम में रूल्स के तहत रजिस्ट्रार ने विदाउट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट नाम इंक्लूड किया मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो 5,40,000 बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया उनको अब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है उन पर जो केस चल रहा है वो नहीं चलेगा उनको ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी और जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसको लड़ते रहना पड़ेगा जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा उसके बाद तो यही होगा ना नॉन मुस्लिम को तो एक जादू की छड़ी मिल गई सीएबी और मुसलमान डिटेंशन सेंटर्स में रहेगा मुझे बरसों खड़े रहना पड़ेगा ये साजिश इनकी है ये मुल्क में मुसलमानों को सेकंड क्लास नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाना चाहते हैं एथनिक क्लेंसिंग होगी इस मुल्क में 370 पर भी आप ऐसे कराते हैं क्या 370 जब धारा हटाई मैं मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया 370 में मैंने कहा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अगर
आप 370 की बात कर रही है ना, चलिए मुझे कश्मीर जाने की इजाजत दीजिए, मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेंगे। अभी बैठकर सुन रहा था कव्वाली को मंत्री साहब की, बड़े बड़े बातें कर रहे थे, बागों में बहार है, फूल खिल रहे हैं, अगर मैं एयरपोर्ट पर उतरूं तो मुझे भिजा देंगे वापस। मैं आप ऐसी बातें वहां करेंगे नहीं, नहीं, तो मैं बताता हूं, अरे मुझे हक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फैलता मैडम? फंडामेंटल राइट तो अब तो कश्मीर में लागू होगा ना, फंडामेंटल राइट तो कश्मीर में लागू होगा। आप भी चाहती हैं कि मैं जाकर मोदी की तारीफ करूं? क्या मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता कश्मीर में? एयरपोर्ट से मुझे वापस कर देंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि ये इनकी बड़ी साजिश है और इसी के तहत ये काम कर रहे हैं, ये इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो काम हमारे आजादी के मुजाहिदीन ने नहीं किया वो ये काम करना चाह रहे हैं। मुझे इस बात का गम, इस बात का है कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया, रिजेक्ट किया, और मैंने इस दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मौलाना आजाद की उन तकरीर के जुमलों को सुना कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो, और आप मुझे ही ट्रीट करते हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि ये कानून इस तरह बनाएंगे। मुझे गम इस बात का हरगिज कभी नहीं रहेगा कि पाकिस्तान से मुसलमान नहीं आएगा। मुझे गम तकलीफ इस बात की है कि मैं मुसलमान होना जुर्म है इस मुल्क में, क्या आप कानून में नहीं डाल सकते? मत लीजिए किसी मुसलमान को, मगर आप बना रहे हैं कानून मजहब की बुनियाद पर। देखिए नकवी जी को तो मुस्लिम होना गुनाह नहीं लगता, एक मिनट, मैं वैसी भाई वैसी जी को ही क्यों लगता? इसलिए कि मैं संविधान को जानता हूं, पढ़ता हूं और तकलीफ को महसूस करता हूं। इसलिए कि आसाम में जब फखरुद्दीन अली अहमद और तैमूरा के चीफ मिनिस्टर के खानदान का नाम नहीं आया, वो सिपाही जो कारगिल की चोटियों पर अपनी जान को कुर्बान कर रहा था उसके फैमिली का नाम नहीं आया, इसलिए कि मुसलमान है। देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि हमने संविधान को सेकुलर बनाया है। ये देश सेकुलर इसलिए नहीं है या है क्योंकि हिंदू चाहते हैं, नहीं है सर, संविधान सेकुलर है, तब सेकुलर है, सेकुलर पाकिस्तान में मजॉरिटी चाहती तो इस्लामिक झंडा बना दिया, यहां के मजॉरिटी पाकिस्तान में भारत का संविधान नहीं है। पाकिस्तान की आप हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं पाकिस्तान से मिलाकर, ये संविधान सेकुलर है। इसीलिए तो कर रहा कि आप संविधान को मिलाना पड़ेगा, मजहब के नाम पर मुल्क को बांट रहे हैं। जब बंटवारे की बात आएगी तो हमें मिलाना ही पड़ेगा पाकिस्तान और आप बंटवारे के इतिहास की सच्चाई को भूला नहीं जा सकता। दे रहे हैं तो क्या मौजूदा हालात में आपको लगता है कि इस देश के हिंदू सांप्रदायिक हो गए हैं? जब नकवी जी की बात पर आप सिर हिलाकर मना करते हैं, ये देश सेकुलर, क्या आप हिंदुओं पर आरोप लगा रहे हैं? ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि संविधान सेकुलर है, किसी हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं है सेकुलर। ये देश सेकुलर इसलिए कि संविधान जो हमने दिया, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, वो सेकुलर संविधान बनाया। उसी संविधान को सर्वोपरि मानते हुए देश की सर्वोच्च अदालत जब राम मंदिर पर कोई फैसला देती है तो आप उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं? जवाब दूं? सुनेंगे आप? तभी पूछा है। हल्ला बोल में अगर आप एक प्रोग्राम कर लीजिए साबरीमाला के ऊपर, अमित शाह अनेकों सुनिए, चाहे मैं आज भी मानती हूँ कि साबरीमाला में लड़कियों के जाने का अधिकार है। आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बन जा रही हैं, सुनिए जरा, सुनिए, मैं सुनिए मैं बोल लीजिए, बोलिए, गलत है वैसे साबरीमाला का जजमेंट पसंद आया साबर नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है। साबरीमाला का जब जजमेंट आया तो रिव्यू हुआ उसका, उस पर कोई गुस्सा नहीं आया किसी को? ऐसी रिव्यू हुआ ना, अब रिव्यू का रिव्यू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, कोई किसी को गुस्सा नहीं आता? SC ST एक्ट का जजमेंट आया, उसका रिव्यू हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया? रिव्यू इसलिए हमने किया क्योंकि वो प्रोविजन है, लॉ में है प्रोविजन, और हमने उसका रिव्यू किया। उसमें तकलीफ किस बात की है बताइए, तकलीफ किस बात की? अदालत को तो मानेंगे ना? अरे हमने, मैंने क्या कहा, जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था, ओएसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, ये जे एस वर्मा ने कहा था, और जे एस वर्मा की तारीफ सुन लीजिए जो हिंदुत्व का जजमेंट लिखे। इनके पास एक मुसलमान MP जीतता नहीं है लोकसभा से और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद तो लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़े, ना पार्टी लड़ाई, ना जीतते हैं, और आप बड़ी बड़ी मैं जीत के भी आया हूं। नहीं अभी क्या आपके वालिद साहब के साथ था मैं सर, 2014 में क्या हुआ, आप हार गए 2014 में? हार गया 19 कोई बात नहीं, हारना जीतना, मैं 5 चुनाव लड़ा, हारा जीता, आप सुन तो लीजिए ना, इतनी बेचैनी की जैसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है मेरे अरे पास सर, सर इतना पेट में दर्द क्यों होता है जब सच्चाई बोलते हैं? सुन लीजिए, आप मिनिस्टर हैं, इतना आप थोड़ा सुन लीजिए। आपके पास एक मुस्लिम MP नहीं लोकसभा का और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़े देख कर बोला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि खबरस्तान, रमजान, शमशान, ये जबान किसने इस्तेमाल की? सर आप पावर में, मैं पावर में नहीं हूँ, आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं आप खुद बताइए ना।
वैसे जी, लेकिन आप भी लगता है कि आईने के प्रतिबिंब बन के बन गए हैं, आप मुस्लिमों के नेता बन के रह गए। ये सवाल मैं बार बार करती हूँ, आप बार बार आपको हमेशा बोलता रहूंगा कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं बनना चाह रहा हूँ। हैदराबाद के सांसद है, जब उस बेटी के साथ ऐसा विभत्स घटना घटी, तब हमने असदुद्दीन ओवैसी को इतना प्रखर क्यों नहीं देखा? उस दिन मैं लगातार आपके ट्विटर अकाउंट पर आपकी बाइट का इंतजार करती रही। आपने अनफॉर्चुनेटली आपने ये नहीं देखा कि मेरे वहां के एमएलए के कैंडिडेट रहमत बेग जाकर उस घर में बैठकर उस खानदान से, उनके वालिद और वालदा से मुलाकात की। हमें तो वैसी जी की आवाज बुलंद लगती है। नहीं नहीं सुनिए, तो आपकी आवाज का इंतजार था। और मैंने उसके खिलाफ बोला है और मैंने ये भी कहा है कि एनकाउंटर को मैं नहीं मानता, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि एनकाउंटर जो है वो रिवेंज है, जस्टिस नहीं है। उन्हें एक स्पीच में कहा, मैं हूं मैडम, ऐसा मत समझिए कि अगर आपके आपके पास नहीं आया तो नहीं होगा। सर एनकाउंटर पे आप तुरंत आ गए, उस लड़की उसकी लड़ाई के लिए क्या बिल्कुल मैं मेरे पूरे पार्टी के लोग वहां पर गए, उनसे मुलाकात किए। और मैं किसी एक बच्ची की जिंदगी पे सियासत करना गलत समझता हूँ। जितनी तकलीफ मुझे भी अल्लाह ने बेटियां दी हैं, मैं भी उस गम में शामिल हूँ। मैं कैसे खामोश बैठ सकता हूँ मैडम, कैसे खामोश बैठूंगा मैं। अब आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप बार बार कह रहे थे कि हमले होते हैं देश संभलता है, फिर कुछ बड़ा सुना है जनसंख्या कानून अगला कदम लाने वाले हैं आप, जिससे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, पहली बात ये कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इस मुल्क में पहली बार कोशिशें हुई हैं, बहुत बार कोशिशें हुई हैं। लेकिन वो कोशिशें, हालांकि हम लोग उस टाइम अपोजिशन में थे जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, ये सारी चीज़ें की, उसके बाद एक नसबंदी लेके आके खड़े कर दी, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता ज़रूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, समाज के सभी हिस्सों को इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है कि जो जनसंख्या विस्फोट होता है वो मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कानून लाने वाले लग रहा है? नहीं, कानून तो कुछ भी ला सकते हैं, कानून कुछ भी ला सकते हैं, मगर ये सवाल का ये जवाब नहीं देते कि इस मुल्क में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस मुल्क की आबादी का 60% हिस्सा 40 साल से कम उम्र का है, आपने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद कर दिया ना। वो 2030 तक लास्ट करेगा, किसी भी देश में नहीं है। आपने मुल्क के नौजवानों को क्या दिया? नौकरियां दी, अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो चुका है मैडम, GDP अब माइनस हो चुका है, स्टेट्स को शेयर नहीं मिलता कंपनसेशन का, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन में है, हर बर्बाद सब जो चीजें करने की है ना वो नहीं करेंगे, मगर जिस पे उनको डाइवर्शन होना चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट, दिमाग हटाओ बटाओ, वो काम करना चाहते हैं करिए। सर आपने कहा था ना कि आप 5 साल में 5 करोड़ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप देंगे, देंगे ना, बता रहा हूं 3 करोड़ 18 लाख दे दिया है और आने वाले 5 करोड़ में देंगे 5 साल। सुनिए ना सर, इस साल आपने 150 करोड़ कम कर दिए क्या स्कॉलरशिप के अमाउंट में? सर अरे सर अमाउंट की चक्कर मत पड़िए, अमाउंट हमारे पास कमी नहीं है, अमाउंट की हमारे पास कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, हारून का खजाना है। पिछली बार 3 करोड़ 18 लाख अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जिसमें 60% लड़कियां थी, इस बार हम 5 करोड़ देंगे जिसमें 60% लड़कियां होंगी। आप दोनों का धन्यवाद, और इस वादे के साथ अनंत है ये बहस, जिस जोश से आप लोग कर रहे हैं इसको हम लोग जारी रखें आने वाले वक्त में भी। आज तक होगा जब बुलाएंगे आप मुझे, जब लाइन में आप भी खड़ेंगे हम भी खड़े, बुलाएंगे आप मुझे।